गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई गेव यू लेसन नंबर 9 एज जीके होमवर्क। टुडे आई विल गिव यू नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 10 अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों का अद्भुत संसार। हियर आर गिवन सो मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड वी विल give the name of these animals photographs. So let's start. Exercise A, read the clues, recognize these animals and complete their names by filling in the missing letters. इन संकेतों को पढ़कर जानवरों की पहचान करके जो वर्ण नहीं दिए गए हैं उन्हें पूर्ण करो। First, this is the largest living bird in the world. यह है संसार का सबसे बड़ा पक्षी होता है। ओ यस टी आर आई सी यस ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। सेकेंड, दिस इज the largest animal on earth. यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर होता है। BLUE ब्लू, भेल WHALE। सेकेंड, थर्ड, दिस एनिमल लुक्स लाइक ए बफेलो एंड इज फाउंड इन द हाई माउंटेन्स। This animal looks like a buffalo and is found in the high mountains. यह जानवर भैंस की तरह दिखता है और यह ऊंची पहाड़ियों पर पाया जाता है, ऊंचे पर्वतों पर पाया जाता है। So answer is YAK, याक। Fourth, this animal has sharp quills on its body. इस जानवर के शरीर पर नुकीले कांटे होते हैं। करेक्ट is orpupin or QPINE. orpupin means sahi. Fifth, these
animals lived on earth millions of years ago. ये जानवर these animals lived on earth millions of years ago. ये जानवर पृथ्वी पर अरबों वर्ष पहले रहते थे. DINOSAURS dinosaurs. 6. This is a member of the crocodile family. यह मगरमच्छ के परिवार से संबंधित है. सो आंसर इज ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर एलिगेटर. 7. दिस इज लार्ज This is a large white and black bear like animal. This is a large white and black bear like animal. यह जानवर सफेद और बड़े काले भालू की तरह दिखता है. आंसर इज giant पंडा panda. 8 एंड लास्ट फिगर फोटोग्राफ. दिस इज कंसीडर्ड as the symbol of peace. यह शांति का प्रतीक समझा इसे शांति का प्रतीक समझा जाता है. dove is a bird which is symbol of peace. So this is your today's GK homework. Now write in your notebook, in your diary, write lesson 10, exercise A, and write lesson 10, exercise A in notebook. And learn it. Thank you.